असम के विश्वनाथ में इंसान और जानवरों के बीच टकराव का एक भयंकर नज़ारा देखने को मिला। यहां काजीरंगा से निकल आए एक जंगली भैंस ने दो दिनों में दो लोगों की जान ले ली। अंत में वनकर्मियों ने जंगली भैंस को गोलियों से धराशायी कर दिया। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। ये दृश्य किसी युद्ध का नहीं है, ना ही किसी मुठभेड़ की। दरअसल वन विभाग के लोग एक जंगली भैंसे को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहे हैं। असम के विभिन्न इलाकों से जंगली जानवरों और लोगों के टकराव की खबर लगातार आती रहती है। कभी जंगली हाथियों का उपद्रव तो कभी तेंदुए का आतंक, मगर इस बार जंगली भैंसे ने विश्वनाथ जिले में लोगों की नींद उड़ा दी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से निकल आए इस जंगली भैंसे ने पिछले दो दिनों में दो लोगों की जान ले ली। भोगाली बिहू के उत्साह के बीच जंगली भैंसे के कारण दो परिवारों में मातम छा गया। सबसे पहले गुरुवार को इस जंगली भैंसे ने मटक गांव के जयंत दास की जान ले ली। इस घटना के बाद वन विभाग के विरुद्ध गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने गुस्से में आकर वन विभाग कार्यालय में तोड़फोड़ भी की, साथ ही वन विभाग की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। आज तड़के फिर इस भैंसे ने मथौरी सेंटर के शालमारी में एक वृद्ध की जान ले ली। शुक्र अली नामक यह व्यक्ति आज तड़के जब घर से बाहर निकला तो मतवाले भैंसे ने उसे दौड़ाकर घर के आंगन में ही हमला कर मार डाला। फजीरत एकदम उठी कि माथारत उठी मैंने पेशा कर गई जाऊते मैंने महटो आक्रमण कर आक्रमण तक दौड़ा आनी मान तार चोतालते मैंने एकदम हेरी बगरी पेल तक मैंने हानिले देखी आम देखिल कि ऊर न गोर सर हम तथापि हलते कि गोर तो न तक के जाऊँ आम देखते देखते तक मारी पेल मैंने महटो गुसी गल। दो दिनों में दो लोगों की जान जाने के बाद हरकत में आई वन विभाग ने जंगली भैंसे को पहले जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन वन कर्मियों के अनुसार पागल हो चुके भैंस ने उल्टे वन विभाग के कर्मियों को ही खदेड़ना शुरू कर दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद भैंसे को खदेड़ पाने में विफल वन कर्मियों ने उसे गोली मार दी। भैंसे की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। ৰাতিপুৱা আমি এটা খবৰ পালোঁ যে এটা অজন মানুহ মাৰিলে। আমি তাত লগালগ আমি তাৰপৰা ৰাতিপুৱা ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ। ইয়ালৈ অহাৰ পৰা দেখিলোঁ কুমলি পৰি আছে, বিচাৰি বিচাৰি আমি তাক পালোঁ। এইটো এৰিয়াত সান্ধি তাৰমানে বহি আছিলে। তাৰপিছত আমি তাক প্ৰথমতে চেষ্টা কৰিছিলোঁ খেদিবৰ কাৰণে, ইয়াৰ পৰা তাৰমানে আমি ভিতৰলৈ যেনে তেনে সোমাই পঠিয়াই দিওঁ, যিহেতু আমাৰ ৱাইল্ড লাইফটো আমিতো কেতিয়াও তাক হেৰি কৰিবলৈ আমি নিবিচাৰোঁ। কিন্তু আমি যেতিয়া তাক খেদিবলৈ গ'লোঁ তেতিয়া সি উল্টাই আমাক খেদি আহিলে, আকৌ এটেক কৰিবলৈ। ছেল্ফ ডিফেন্সত তাৰমানে আমি তাক উপায় নাইকিয়া হৈ পেলাই তাক মাৰিব লগা হ'ল। একদম শান্তি পাইছোঁ বন ভিগে, একদম শান্তি পাইছোঁ আমি বন ভিগে মৰটো মৰাৰ কাৰণে। আমি বহুত নথৈ আনন্দ আছে আজি। কি ক'ব, ঠিকে আছে ছাৰ, মানুহ চাৰি পাঁচটা মানুহ মাৰিছে, এইটো ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা খবৰ এটা। असम में मानव और पशुओं के बीच टकराव की घटना नई नहीं है। इस टकराव में कभी इंसान की तो कभी जानवर की जान जा रही है। सरकार और वन विभाग को इसे और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।